हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉट गेट। पिछले वीडियो में हमने बताया था आर गेट, फिर अगले बताया एंड गेट, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉट गेट। तो नॉट गेट इसके नॉट गेट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉट गेट का परिपथ में किस प्रकार से डिनोट किया जाता है और नॉट गेट के लिए ट्रूथ टेबल किस प्रकार से तैयार की जाती है, जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में मतलब बहुत बार प्रश्न इस पर आए हैं, नॉट गेट एंड गेट और गेट से। मतलब हर साल एक प्रश्न हमारा कंफर्म होता है, फिक्स होता है। तो चलिए हम नॉट गेट को बनाते हैं। नॉट गेट देखिए जो होता है, नॉट गेट को हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। यह हमारा एक नॉट गेट में एक पहले बनाते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल के बगल में लगाते हैं एक सर्किल। इस प्रकार से हमारा यह जो है नॉट गेट तैयार हो जाता है। नॉट गेट जो है हमारा तैयार हुआ। पहले क्या बनाते हैं, हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, मतलब त्रिभुज बनाते हैं। उसके शीर्ष पर हमने एक लगाया क्या, सर्किल। तो इस प्रकार का जो यह डिजाइन आपको दिखाई दे रही है, इस डिजाइन का नाम होता है नॉट गेट। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। जो छः सातों गेट में एक नॉट गेट एक ऐसा गेट है अकेला जिसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। तो इसमें एक इनपुट को हम ए बार से लिखते हैं और आउटपुट को वाई से लिखते हैं। तो यह लॉजिक गेट इसमें देना क्या हमें है, लॉजिक तर्क शक्ति क्या देना है कि जो इसमें इनपुट एक है तो संभव केस कितने बन सकती हैं, दो। इसमें एक इनपुट नहीं हो सकता है, एक बार डिजिटल सिग्नल इनपुट में हो जा सकता है और एक बार डिजिटल सिग्नल एक बार डिजिटल सिग्नल इसमें नहीं हो सकता है और एक बार डिजिटल सिग्नल आपका हो सकता है। तो डिजिटल सिग्नल और इनपुट और आउटपुट को जब टेबुलेट करेंगे तो टेबुलेट में हमें जो टेबल मिलेगा, इस टेबल को हम कहते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल अर्थात हिंदी में लिखा जाए सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। तो जरा देखें कि नॉट गेट के लिए ट्रूथ टेबल हमारी किस प्रकार से तैयार की जाती है। देखिए, चूंकि हमने पहले बताया कि जो नॉट गेट है या अकेला सभी गेटों में एक अकेला ऐसा गेट है जिसमें केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, तो एक इनपुट होने के कारण इसमें कितने केस बन सकती है, केवल संभव दो केस बन सकती है। एक बार इसमें डिजिटल सिग्नल इनपुट में नहीं हो सकता है और एक बार डिजिटल सिग्नल हो सकता है। तो जिसमें हम यह देखेंगे कि डिजिटल सिग्नल जिसमें हो रहा है तो आउटपुट का मान कितना मिल रहा है, और एक बार डिजिटल सिग्नल है तो आउटपुट का मान हमें क्या मिल रहा है। तो ये देखिए हमारा ए बार और यह हमारा आउटपुट का हो गया। तो पहली में हम कर रहे हैं डिजिटल सिग्नल नहीं है, तो यह नहीं है, तो नहीं के लिए जीरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम बताएं नॉट गेट के लिए जो होता है, नॉट गेट चूंकि खोज रहे हैं हम, इसमें नॉट गेट का डायग्राम खींच रहे हैं, नॉट गेट के लिए ट्रूथ टेबल तैयार कर रहे हैं। तो नॉट माने हिंदी में होता है नहीं, नॉट माने क्या होता है, नहीं। तो इसमें हम लॉजिक इस प्रकार से प्रश्न क्रिएट करेंगे कि क्या इनपुट ए में कोई सिग्नल नहीं है, क्या इनपुट ए में कोई सिग्नल नहीं है। तो इसमें नहीं है तो हाँ, इसका जवाब आएगा हाँ। तो हाँ के लिए एक, नॉट गेट जो होता है इसमें इनपुट अगर नहीं रहेगा तो आउटपुट आपका हाँ मिलेगा, अगर हाँ इनपुट रहेगा तो इसके लिए आउटपुट का मान नहीं के रूप में मिलेगा, क्योंकि नॉट गेट है ये सिग्नल को उलट देता है। फिर से सुनिएगा, इसमें हम प्रश्न इस नहीं से क्रिएट करेंगे कि क्या इनपुट ए में कोई सिग्नल नहीं है, तो हाँ सही कहा जा रहा है कि नहीं है। क्या इनपुट ए में कोई सिग्नल नहीं है, तो नहीं है, तो इस यह बात सत्य है हाँ, इसके लिए हमारा डिजिट आ गया वन। फिर अगर इस दूसरी केस हो सकती है कि इनपुट ए में कोई डिजिटल सिग्नल डाल दें, तो डिजिटल सिग्नल डालें तो उसे एस वन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर प्रश्न क्रिएट करें, लॉजिक बनाएं कि क्या ए में कोई डिजिटल सिग्नल नहीं है, तो नहीं हमेशा जोड़ेंगे। क्या इनपुट ए में कोई डिजिटल सिग्नल नहीं है, तो यह बात बिल्कुल गलत कही जा रही है, क्योंकि इनपुट ए में डिजिटल सिग्नल है और कहा जा रहा है कि डिजिटल सिग्नल नहीं है, तो इसके लिए नहीं के लिए डिनोट करेंगे हम
जीरो से। तो इस प्रकार से जो ट्रुथ टेबल हमारी बनकर तैयार हो गई, यह हो गई नॉट गेट के लिए। फिर इससे देखिए एक बार और देखें, क्योंकि नॉट गेट जो है सभी गेटों में एक ऐसा गेट है जिसमें थोड़ी कंफ्यूजिंग आती है, क्योंकि इसमें हम नहीं से सवाल उठाते हैं, हमेशा नॉट माने नहीं। ए बार और यह वाई, पहली संभव केस हो सकती है कि डिजिटल सिग्नल नहीं है, तो प्रश्न कैसे क्रिएट करेंगे, क्या इनपुट ए में कोई डिजिटल सिग्नल नहीं है, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आएगा, हाँ सही है नहीं है, तो इसके लिए जो आउटपुट का मान होगा वन मिलेगा। अगर किसी नॉट गेट में डिजिटल सिग्नल को नहीं डालेंगे तो उसमें आउटपुट का मान मिलेगा हाँ। अगर किसी डिजिटल सिग्नल में हमने इनपुट में नॉट गेट में अगर डिजिटल सिग्नल डाला तो उसके लिए हमारा क्या मिलेगा, जीरो। क्या इनपुट ए में कोई डिजिटल सिग्नल नहीं है तो आउटपुट का मान मिलेगा जीरो। इस प्रकार से यह हमारा ट्रूथ टेबल बनकर तैयार हुए, ट्रूथ टेबल। तो ये था हमारा नॉट गेट। तो इस वीडियो में बस केवल इतना ही, नॉट गेट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।